तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तीन मैं पहले से ही कर चुका हूं इसमें रजिस्टर, तो और करके आपको मैं बता देता हूं। तो अगर मैं बताऊं तो पिंक कलर का आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, उसको मैं क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ओपन एप्लीकेशन हो, तो मैं क्लिक करके ढूंढता हूँ कोई एप्लीकेशन। मेरा डॉल्बी एटमोस, डॉल्बी एटमोस वाला जो आ गया, ओके मिल गया। डॉल्बी यहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे मैं डी लिखने की कोशिश करूँगा। तीन अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, मैंने पहला अटेम्प्ट कर लिया, ये है दूसरा और ये है तीसरा। अब क्या है कि मैं इसको यूज़ करूँगा, तो ये जो गोल ब्लैक ग्रे कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। ओके सो मैं डी जैसे ही लिखूंगा तो क्या होगा कि डॉल्बी एटमोस खुल जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप बनाएंगे उस तरह का खुलते जाएगा। ओके तो जैसे कि मैंने तीन और अमेज़ॉन है और कैलकुलेटर है और रीसेंट टैब से ये सब किया है। तो मैं जैसे कि अगर आप जैसे ए जैसे मेरा अमेज़ॉन का सॉरी और रीसेंट टैब्स का अगर जैसे कि मान लो कभी भी आप गलत टाइप करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, और अगर आप सही जो होता है जैसे कि मैंने ऊपर से नीचे लाया तो नहीं हुआ, मगर नीचे से ऊपर लाया तो रीसेंट टैब्स खुल गया। तो मुझे ये एप्लीकेशन काफ़ी पसंद आया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है कंट्रोल पैनल, और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा अगर आप ऑन करेंगे तो। ये मेनली क्या है, लॉक स्क्रीन वाली एप्लीकेशन है। अगर आपको आईफोन कुछ इस तरह का आईफोन का अगर आपको पसंद आता है तो मेनली उन यूजर्स के लिए है। अगर मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर मैं प्रीव्यू दिखाऊँ तो जो डिस्प्ले और ब्राइट नज़र आता है और कुछ इस तरह का आप पूरा आईफोन की तरह मज़ा उठा सकते हैं। ओके सो वॉल्यूम हो गया, ओके वन सेकेंड, हाँ वॉल्यूम अच्छे से ऊपर नीचे हो रहा है। ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, मेरा फ्लैश जल चुका है। ओके फोटो और बहुत सारे ऐसे चीज़ कर सकते हो, बट अभी ये प्रीव्यू मोड में है तो नहीं होगा। जैसे कि मैं बंद करूँगा स्क्रीन और फिर से करूँगा तो ये होगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगली जो एप्लीकेशन है वो है आई पैनल नाम की। आई पैनल एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊँ तो कुछ इंटरफेस इस तरह का मिलेगा आपको, और बहुत सारी चीज़ है इसमें, जैसे कि रियल टाइम डाटा हो गया, आप यहीं से इंस्टॉल अनइंस्टॉल मार सकते हैं ये ऐप को और क्लीन कर सकते हैं मेमोरी को। सबसे मेन बात क्या है कि ना इसमें आपको पूरा का पूरा आईफोन वाला लुक मिलता है कुछ इस तरह का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आईफोन में क्या है, नीचे से ऊपर स्वाइप करते हो तो ऐसा लुक मिलता है। मेरे पास भी आईफोन है और वो लुक मुझे बहुत पसंद आता है और मैं चाहता था कि वो इसमें भी मिले। तो ये जैसे आप राउंड को क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऊपर आएगा, आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करना है वहाँ। यहाँ पे आपको फ्लैश मिल जाएगा, आप अपनी मेमोरी क्लीन कर सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज बैटरी परसेंटेज को क्लिक करके, और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे कर सकते हैं। ओके सो आप देख सकते हैं यार बहुत अच्छा है, आप यहीं से कैलेंडर खोल सकते हैं और बहुत काफ़ी फास्ट है। जो कैमरा है, कैमरा थोड़ा स्लो है यार, कैमरा थोड़ा स्लो लगा मुझे, बट कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, वॉच है, ये सब बहुत जल्दी हुआ है, ये मेरे को बहुत पसंद आया है। ओके सो हाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ ये एप्लीकेशन, पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे। सो फ्रेंड्स अगली जो एप्लीकेशन है या फिर आप लास्ट एप्लीकेशन कह लीजिए वो है SSTU टच। क्या होता है कि अगर आपका कोई बटन काम नहीं करता है, जैसे कि होम बटन सैमसंग में कभी कभी काम नहीं करता, तो यार ये एप्लीकेशन बेस्ट है। आप होम बटन को काम में ला सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको टच करना है ये छोटे से डब्बे पे और होम लिखा हुआ है, आप अगर होम को क्लिक करेंगे तो होम बटन का काम करेगा। इसमें और भी आपको बहुत सारे चीज मिलते हैं, अगर मैं बताऊँ बूस्ट कर सकते हो आप, जैसे कि मैंने रैम बूस्ट किया और फेवरेट्स में ओके लॉक पता नहीं क्या हुआ, ओके लॉक आप नहीं कर सकते, उसको मैं और देखूंगा और मैं बाद में आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। पहले तो इसको मैं बंद करता हूँ, ओके लॉक काम नहीं कर रहा है, लॉक नहीं हो रहा है फोन।
तो आप फेवरेट, ओके मैं सबसे पहले हटा के भी देख ले रहा हूँ, क्या पता ये इसकी वजह से हो रहा हो। ओके फेवरेट्स में आप ऐड कर सकते हैं कुछ कुछ चीजें, जैसे कि कोई ऐप फेवरेट में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं लाना लॉन्चर को कर देता हूँ, और नेक्स्ट में कुछ और क्या यार, फोटोज, फोटोज को भी कर देता हूँ, और मैं कैलकुलेटर करूँ, हाँ कैलकुलेटर को भी कर दे रहा हूँ। और अगर मैं जब भी इन सब में से, जैसे कि मैं फेवरेट्स में गया और अगर मैं कैलकुलेटर को क्लिक करता हूँ, तो सीधा का सीधा कैलकुलेटर खुल जाता है। और भी ऐसे सेटिंग्स में मिल जाएंगे, वाईफाई है यहाँ पे, आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके जैसे कि वॉल्यूम की खराब हो जो जाती है, वो उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। ओके और वाईफाई है, ब्लूटूथ है, लोकेशन है, साइलेंट कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन यार पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो यार लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे यार तो डिसलाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को सब कुछ पूछ सकते हैं। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे इस वीडियो पे 5,000 व्यूज आ गए हैं, मुझे बहुत पसंद आया। सो बाय बाय, लाइक शो कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय बाय।